हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आधुनिक इतिहासकारों के अंतर्गत आज हम आप सबको बीए स्मिथ जी के बारे में बताएंगे। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आधुनिक इतिहासकारों के अंतर्गत कनिंघम और भंडारकर जी के बारे में समझाया था। आज की क्लास में आप लोगों को हमारे जो नेक्स्ट इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियन हैं, बीए स्मिथ, इनके विषय में आप सबको आज मैं समझाऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम बीए स्मिथ का पूरा नाम जान लेते हैं। बीए स्मिथ को हम बीसेंट आर्थर स्मिथ कहते हैं। ये इनका शॉर्ट नाम है बीए स्मिथ। बीए स्मिथ, बीसेंट आर्थर स्मिथ। बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था वो 1843 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1920 ईस्वी में। बच्चों, सबसे पहले हम बीए स्मिथ जी के विषय में उनके जीवन के प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे, तो आगे चलते हैं। बच्चों, बीसेंट आर्थर स्मिथ का जन्म 3 जून 1843 ईस्वी में डबलिन में हुआ था। इनका जन्म 3 जून 1843 ईस्वी में डबलिन में हुआ था। वह अपने पिता के 13वें संतान थे। स्मिथ जो थे ये अपने पिता के 13वें संतान थे। अपने प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात उत्तम योग्यता के साथ डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज से एमए की उत्तम योग्यता प्राप्त की। स्मिथ जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी और जो कॉलेज की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो उन्होंने डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज से प्राप्त किया और जिसमें उन्होंने एमए में उत्तम श्रेणी से योग्यता हासिल की और ऑक्सफोर्ड से डीलिट की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात 1878 ईस्वी में आईएएस इंडियन सिविल सर्विस के रूप में भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत और वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। बच्चों, अब तक मैंने जो आप लोगों को बताया उसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो ये हैं कि बीए स्मिथ का जो जन्म था वो 3 जून 1843 ईस्वी में डबलिन में हुआ था और उनके जो वो अपने पिता के 13वें संतान थे, तथा इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और तथा उसके पश्चात इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से एमए में उत्तम श्रेणी से परीक्षा पास की। उसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड से डीलिट की उपाधि ग्रहण किया। उसके बाद ये वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पश्चिमोत्तर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में नियुक्त किए गए थे। अब इसके पश्चात बच्चों हम लोग ये जान लेते हैं उनके वैवाहिक जीवन के विषय में।
कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसमें डॉक्टर स्मिथ का विवाह स्लीगो के विलियम क्लिफोर्ड की पुत्री मेरी एलिजावेथ से हुआ था। स्मिथ जी का जो विवाह था वो स्लीगो के विलियम क्लिफोर्ड की जो पुत्री थी जिनका नाम था मेरी एलिजावेथ से हुआ था, जिनसे 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। स्मिथ जी के 3 पुत्र थे और उनकी 1 पुत्री थी। भारत में उत्तम प्रशासकीय सेवा में रहते हुए डॉक्टर स्मिथ सन 1921 ईस्वी में सेवामुक्त हुए और सेवामुक्ति के पश्चात स्मिथ के संबंध में ऑक्सफोर्ड के इंडियन इंस्टीट्यूट से बना रहा। ये 1921 में सेवामुक्त तो हो गए थे, लेकिन फिर भी इनका जो संबंध था वो ऑक्सफोर्ड के इंडियन इंस्टीट्यूट से बना रहा। ऑक्सफोर्ड के भारतीय इतिहास विभाग पर इनकी नियुक्ति नहीं हुई तो कुछ निराश अवश्य रहे, परंतु बाद में उन्हें सीआईई का पद प्रदान किया गया तथा वे 6 फरवरी 1920 ईस्वी ऑक्सफोर्ड में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। तो बच्चों, ये तो उनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई कहाँ पूरा किया, इनका विवाह कहाँ हुआ था, ये कहाँ पर नियुक्त किए गए थे, इन सब बातों पर हम लोगों ने जाना। अब बच्चों, स्मिथ जी की कृतियों एवं कार्यों पर मैं आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगी। तो बच्चों, डॉक्टर स्मिथ ने भारतीय इतिहास से संबंधित अनेक ग्रंथ की रचनाएं की तथा अनेक शोध निबंधों के को भी प्रकाशित किया था। डॉक्टर स्मिथ जो थे वो भारतीय इतिहास पर, इंडियन हिस्ट्री पर से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की तथा अनेक निबंध और शोध पत्रिकाओं को भी प्रकाशित किया था, जिसमें से पहला है भारत का सम्राट अशोक। इनकी जो प्रथम रचना है वो है भारत का सम्राट अशोक। यह ग्रंथ 3 संस्करणों, जिसमें एक पहले 1901 में, फिर 1909 में, फिर एक 1920 में प्रकाशित हुआ। ये भारत का सम्राट अशोक जो इनका ग्रंथ है, ये 3 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। पहला संस्करण 1901 में हुआ था, फिर दूसरा जो संस्करण था वो 1909 में, और जो तीसरा संस्करण था वो 1920 में प्रकाशित हुआ था, जब इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में। अंग्रेजी भाषा में भारतीय सम्राट पर यह प्रथम ग्रंथ है। ये जो भारत का सम्राट अशोक नामक ग्रंथ है वो जिसकी भाषा अंग्रेजी है, और यह ग्रंथ प्रथम ग्रंथ है भारतीय इतिहास का जो अंग्रेजी में लिखा गया है। स्मिथ के पश्चात ही डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर आर के मुखर्जी, जे एम मैक्सफेल तथा रोमिला थापर आदि विद्वानों ने अशोक पर रचनाएं की। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले जो अशोक पर जो रचना किया है वो डॉक्टर स्मिथ ने किया है, उसके बाद अशोक पर जो रचनाएं बाद में की गई हैं वो उसके बाद भंडारकर जी ने, मुखर्जी जी ने, मैक्सफेल ने और रोमिला थापर आदि विद्वानों ने किया है। स्मिथ के ग्रंथ की यह विशेषता थी कि उन्होंने अशोक के अभिलेखों की अंग्रेजी अनुवाद का मूल भी दिया। बच्चों, जो इनके स्मिथ जी का जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है भारत का प्रारंभिक इतिहास। बच्चों, इस ग्रंथ के विषय में स्वयं डॉक्टर स्मिथ का कथन है कि
भारत के राजनैतिक इतिहास के 18 सदियों की मुख्य घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने का यह प्रयास है। डॉक्टर स्मिथ ने अपने इस ग्रंथ में, जिसका नाम है भारत का प्रारंभिक इतिहास, इसमें उन्होंने 18 सदियों का वर्णन किया है। अब उनके बच्चों हम लोग नेक्स्ट ग्रंथ पर चलते हैं, जिसका नाम है भारतीय संग्रहालय में सिक्कों की सूची। ये डॉक्टर स्मिथ का तृतीय महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका नाम है भारतीय संग्रहालय में सिक्कों की सूची। बच्चों इस ग्रंथ में स्मिथ का जो ये ग्रंथ है वो मुद्रा शास्त्र जिस क्षेत्र में एक अद्वितीय कार्य रहा है। अर्थात ये जो उनका ग्रंथ है भारतीय संग्रहालय में सिक्कों की सूची, यह मुद्रा शास्त्र के क्षेत्र में इसका जो योगदान है वो अद्वितीय है, जो उच्चतर और शोध के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, विशेषतः जो प्राचीन भारतीय इतिहास और मुद्रा शास्त्र में रुचि रखते हैं। जो इतिहास के जो बच्चे हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास और मुद्रा शास्त्र में रुचि रखते हैं, उनके लिए डॉक्टर स्मिथ का जो ये ग्रंथ है भारतीय संग्रहालय में सिक्कों की सूची, वो उनके लिए बहुत उपयोगी है। अब बच्चों हम डॉक्टर स्मिथ जी के नेक्स्ट ग्रंथ पे चलते हैं, जिसका नाम है लंका और भारत में ललित कला का इतिहास। लंका और भारत में ललित कला का इतिहास, इस बच्चों ग्रंथ में डॉक्टर स्मिथ ने अपने पूर्व लेखकों डॉक्टर फर्ग्यूसन, डॉक्टर वर्गेस, हॉवेल तथा फाउलर की भांति डॉक्टर स्मिथ ने भी वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का विवरण अपने इस ग्रंथ में दिया है, जो अपनी पूर्ववर्ती अर्थात बच्चों पहले के लेखक पूर्ववर्ती लेखकों से विस्तृत प्रकार का है। स्मिथ का विवरण समीक्षात्मक और विश्लेषणात्मक है। बच्चों जो उनका ये ग्रंथ है लंका और भारत में ललित कला का विस्तार इतिहास सॉरी इतिहास लंका और भारत में ललित कला का इतिहास, बच्चों इस ग्रंथ में डॉक्टर स्मिथ ने वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, इसके विषय में विस्तृत रूप से समीक्षात्मक और विश्लेषण करके लिखा है। इसलिए ये जो ग्रंथ है वो ललित कला को संपूर्ण रूप से उजागर करता है। बच्चों अब हम लोग डॉक्टर स्मिथ जी के नेक्स्ट ग्रंथ पे चलते हैं, जिसका नाम है भारत का ऑक्सफोर्ड इतिहास। भारत का ऑक्सफोर्ड इतिहास, इस पुस्तक के प्रारंभिक काल से 1911 ईस्वी तक का इतिहास दिया गया है। ये जो पुस्तक है इसमें प्रारंभिक काल से लेकर 1911 तक के इस इतिहास का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ अपने में अद्वितीय है और किसी भारतीय ने प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक काल के इतिहास को इतने विस्तृत रूप से नहीं लिखा है। अर्थात बच्चों जो डॉक्टर स्मिथ जी का ये ग्रंथ है भारत का ऑक्सफोर्ड इतिहास, इसमें उन्होंने प्रारंभिक काल से लेकर 1911 ईस्वी, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल तीनों काल आ जाते हैं, इसमें उन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है, जो कि प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास को जाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट ग्रंथ है डॉक्टर स्मिथ जी का वो है, अब उनका ये शोध निबंध है, जिसमें हम लोग ये जानेंगे। तो पहले तो हम लोग ये जाने उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं। जैसे अभी आप लोगों को बताया कि भारत का सम्राट अशोक,
भारत का प्रारंभिक इतिहास, भारतीय संग्रहालय में सिक्कों की सूची, लंका और भारत में ललित कला का इतिहास, भारत का ऑक्सफोर्ड इतिहास, इसके अलावा और भी कुछ ग्रंथ हैं, जैसे मुगल सम्राट नामक ग्रंथ भी उन्होंने लिखा था। और इन ग्रंथों के अतिरिक्त डॉक्टर स्मिथ ने अनेक शोध पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया था, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बच्चों, जो शोध पत्रिकाएं हैं वो भारतीय इतिहास, कला, पुरातत्व और मुद्राओं पर उन्होंने शोध निबंध लिखा था, जिसमें जो प्रमुख हैं उनको हम आप लोगों को बताएंगे। जिसमें है बच्चों, सबसे पहला जो प्रमुख शोध निबंध है वो भारत प्रारंभिक गुप्तों के सिक्के। बच्चों, इसका प्रकाशन उन्होंने 1889 ईस्वी में किया था। उसके बाद उनका जो सेकेंड है शोध पत्रिका जो है वो समुद्रगुप्त है, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1897 ईस्वी में किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो उनका शोध निबंध है वो आंध्र सिक्कों का इतिहास है, आंध्र सिक्कों का इतिहास, जिसका प्रकाशन उनका 1923 अर्थात उनकी मृत्यु के बाद इसका प्रकाशन हुआ था, आंध्र सिक्कों का इतिहास। और नेक्स्ट जो शोध निबंध है वो है कुषाणों तथा इंडो सीथियन के समय का भारतीय इतिहास, जिसका प्रकाशन 1903 में हुआ था। इसके अतिरिक्त भी अनेक शोध निबंधों को डॉक्टर स्मिथ ने लिखकर भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। तो बच्चों, शोध निबंध आप लोग अभी जान गए होंगे कौन कौन से थे, जिसमें से है प्रारंभिक गुप्तों के सिक्के 1889 में जिसका प्रकाशन हुआ था, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त है जिसका प्रकाशन 1897 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद आंध्र सिक्कों का इतिहास है जो 1923 में जिसका प्रकाशन हुआ था, जो कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और जो नेक्स्ट है वो कुषाणों तथा इंडो सीथियन के समय का भारतीय इतिहास है जो 1903 में प्रकाशित हुआ था। तो इन जो शोध निबंधों का जो प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में अगर हम योगदान देखें तो ये अद्वितीय योगदान है। अब आते हैं बच्चों, डॉक्टर स्मिथ का जो इतिहास लेखन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण रहा वो क्या है। तो डॉक्टर स्मिथ ने जो अपने इतिहास लेखन के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं कि इतिहास का जो मूल्य एवं जो उसकी विशेषता है उस आधार पर ही निर्मित करती है कि अतीत के द्वारा किस सीमा तक उद्भाषित होता है, कि इस स्मिथ का इतिहास भी जो है वो उपयोगितावादी व्यापारिक अवधारणा लिए हुए हैं। उनके अनुसार वर्तमान के ज्ञान के लिए अतीत के एक साधन के रूप में प्रयोग करना और भविष्य का नियोजन करना इतिहास का व्यवहारिक उपयोग है। इसी प्रकार डॉक्टर बासम जी ने डॉक्टर स्मिथ जी के बारे में कहा है कि स्मिथ एक वीर पूजक इतिहासकार थे और उन्होंने अनेक महान शासकों के राजनैतिक और अनेक पक्षों को प्रस्तुत किया है, परंतु स्मिथ के विचार से अलेक्जेंडर सबसे महान व्यक्ति था। अलेक्जेंडर अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम महान व्यक्ति था। स्मिथ ने अर्थशास्त्र की स्वरूप तथा उसकी जो दंड संहिता थी उसकी आलोचना की है। उन्होंने अपने ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री में अर्थशास्त्र की पद्धति की तुलना साम्राज्यवादी जर्मनी से की है, जिसने पुस्तक लेखन के समय ब्रिटेन पर आक्रमण किया था। इसी प्रकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की का भी मत का उन्होंने खंडन किया है कि भारतीय राजतंत्र में राज वैधानिक तथा सीमित एवं नियंत्रित सम्राट होता था। जायसवाल द्वारा प्रस्तुत भारतीय राजनीति को स्मिथ ने अस्वीकार किया है।
इसीलिए डॉक्टर बासम का मत है कि अपने संपूर्ण लेखन में स्मिथ ने स्पष्टता को प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार इनके विषय में डॉक्टर मजूमदार ने लिखा है कि जो व्यक्ति भारत के प्राचीन इतिहास में शोध कार्य लेता है वह विंसेंट स्मिथ के ऐतिहासिक कार्यों का ऋणी है, क्योंकि या तो उसके मतों का सहमत होता है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत व्याख्या की आलोचना करता है। डॉक्टर स्मिथ के ऐतिहासिक पद्धति की प्रशंसा में प्रोफेसर मजूमदार का कथन है कि एक इतिहासकार के रूप में स्मिथ का व्यक्तित्व वैज्ञानिक और कलाकार में एक समन्वित रूप था। वे एक वास्तविक अन्वेषक थे, अन्वेषक अर्थात खोजकर्ता अन्वेषक थे, और उनकी मुख्य विशेषता विषय की गंभीरता और कार्यकारण सिद्धांत पद्धति थी, जो एक इतिहासकार के लिए नितांत आवश्यक है। बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया कि एक कार्यकारण सिद्धांत क्या होता है। कार्यकारण मतलब किसी कार्य के पीछे कोई कारण होता है, वही कार्यकारण सिद्धांत है। बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक आधुनिक इतिहासकार के रूप में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो विशेषकर भारत के राजनैतिक और कला के इतिहास लेखन में उनका जो योगदान है वो प्रशंसनीय है। इसलिए प्रोफेसर मजूमदार ने लिखा है कि डॉक्टर स्मिथ आधुनिक भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। बच्चों, उम्मीद है कि आपको डॉक्टर स्मिथ जी के जीवन के प्रमुख घटनाओं, उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों, उनके शोध निबंधों के विषय में और उनके इतिहास पद्धति के विषय में आपको विस्तार से समझ में आ गया होगा।